डिग्री शहर में हर घर दस्तक मुहिम के तहत स्थानीय ग्रामीण अस्पताल और पालिका प्रशासन की ओर से रोजाना वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन जारी है। न सिर्फ दिन के समय में बल्कि अब रात्रि शिविर के माध्यम से भी लोगों को वैक्सीनेशन की सेवा प्रदान की जा रही है। पेश है डिग्री संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ऐसे में हर घर दस्तक मुहिम के माध्यम से घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। दिग्रस शहर में भी बीते 15 दिनों से जगह जगह पर टीकाकरण शिविरों का न सिर्फ आयोजन जारी है बल्कि हर शाम को ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स आदि स्टाफ सहित नगर पालिका के कर्मचारी भी वैक्सीनेशन की सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में दिग्रस ग्रामीण अस्पताल के टीकाकरण केंद्र प्रमुख डॉक्टर नयन शेरे ने जानकारी साझा की है। माननीय पंतप्रधान यांच्या हर घर दस्तक या नुसार आपण दिग्रस परिषद, नगर परिषद दिग्रस आणि ग्रामीण रुग्णालय दिग्रस यांच्या मार्फत रात्रीचे लसीकरण कॅम्प आपण शिबिर मागील 15 दिवसापासून सुरू केलेली आहे। दिवसापण आपण 5 कॅम्प आणि रात्री 1 कॅम्प असे 6 कॅम्प आपण रोज मागील 15 दिवसापासून दिग्रसवासियांसाठी ठेवत आहोत। त्यामुळे ज्या लाभार्थ्याचे पहिला डोस किंवा दुसरा डोस राहिला असेल त्यांनी तत्काळ वॅक्सिनेशन करून घ्यावे आणि ज्या कोणाला दिग्रसमधल्या लोकांना आपल्या एरियामध्ये कॅम्प घेण्यासाठी इच्छा असेल त्यांनी नगर परिषद दिग्रस किंवा ग्रामीण रुग्ण दिग्रस यांच्याशी संपर्क साधावा। देखा जा रहा है कि शहर में एक बड़ा तबका मेहनतकश लोगों का है जिन्हें दिन के समय अपने कामकाज के चलते फुर्सत नहीं मिल पाती। ऐसे में खास तौर से इन लोगों के लिए रात्रि शिविर के जरिए लोगों तक वैक्सीनेशन की सेवा पहुंचाई जा रही है। बहरहाल हर घर दस्तक मुहिम को कामयाब बनाने के लिए नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों सहित दिग्रस ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों सहित स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा दिन रात जारी वैक्सीनेशन की पहल काबिले तारीफ है। मालूम हो कि देश और दुनिया पर अब ओमिक्रॉन का संकट आफत बनकर मंडरा रहा है। ऐसे में अब ज्यादा सतर्क रहते हुए वैक्सीनेशन के महत्व और इसकी आवश्यकता को समझना समय की मांग है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।